भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जीवेश, सब दुनिया में देख रहे हैं लोग तुमको, ताली बजाना तनिष्का स्माइल के साथ, ठीक है? स्माइल के साथ बेटा, तुम हंसते हुए उर्वशी।
Hari Nama.
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता Ah!
Thank you.
जाओ तनिष्का डांस करो। गुरु जी की हर बात माननी होती है, तुरंत आया करो शर्मा। छोटी भाग के लाइट बंद कर दें क्या? सुंदर ये जला दो, ये वाली ये इसको छोड़ो, भाग की बंद करो, लाइट नहीं है तो भाग की बंद कर दो।
Thank you.
आज के आनंद की जय जय श्री राम। आज ऐसे लग रहा था वृंदावन बरसाना, ऐसे लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था ना। इसलिए हमारे हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि न गृह भजन देखी गृह तक गोलोक भाए। इसका मतलब है जब घर में भक्त लोग आए, घर में भगवान की कीर्तन कथा उत्सव हो ना, तो घर ही वृंदावन हो गया। देखो घर तुम्हारी वृंदावन धाम वही हो गया है, है? ये नहीं लग रहा था हम एटा में बैठे हैं, लग रहा था हम श्री वृंदावन धाम में हम बैठे हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, इसलिए हमारे जो संत कहते हैं भगवान की भक्ति करना तो कहाँ रह करके भजन करनी चाहिए। बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिल ईत उपदेश सारम। वो संत रूप गोस्वामी कहते हैं बोले वृंदावन कहाँ रह करके भैया, अगर सबके सब वृंदावन चले जाएंगे तो हमें पैसा कौन देगा, घर मकान कैसे चलेंगे, है कैसे चलेंगे। तब वो संत कहते हैं अगर तुम शरीर से अगर वृंदावन नहीं जा सकते हो, है कोई बात नहीं, क्या करो मन से वृंदावन में रहो। घर में जहाँ रह रहे हो वही रहो, घर में जहाँ रह रहे हो वही रहो, लेकिन मन से क्या करो, मन से श्री वृंदावन। उसको सुनकर तो ब्राह्मण खुश हो गए। तो ठाकुर जी कहते अगर कोई मानसिक रूप में भी मेरे को कोई सेवा करे उसको स्वीकार करता हूँ। वो ब्राह्मण क्या करता है, अभी ठाकुर को सामने बैठी करके, उसको लक्ष्मी नारायण की मंदिर थी, अभी वो ठाकुर जी को सामने बैठी करके मानसिक रूप में ठाकुर को सेवा करता है। करते 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 एक दिन इतने डूब गया मानसिक सेवा में, सोचा आज सुंदर मन मन में मंदिर बनाऊंगा, सुंदर मंदिर बनाया। फिर उन्होंने मन मन में ठाकुर जी का रत्न सिंहासन बनाया, फिर लक्ष्मी नारायण को उन्होंने स्थापन की, फिर मानसिक रूप में सोने की कलसी लेकर के गंगा में गए, गंगा पानी ला करके ठाकुर जी को पंचामृतों के साथ में दूध दही शक्कर से ठाकुर को स्नान कराया। ठाकुर जी को एकदम बड़ी सुंदर जिसमें हीरे मोती हैं, हीरे मोती से जड़ा हुआ ठाकुर को ऐसे कपड़ा पहनाया। सोचा आज ठाकुर को मैं खीर भोग लगाऊंगा, ये मन मन में करना है, सब मन मन में आज खीर भोग लगाऊंगा। बढ़िया सुंदर गैया का दूध लाए, उसमें काजू पिस्ता डाल करके बड़ी सुंदर खीर बना भोग लगाया। बोले ठाकुर को सोने की कटोरी में भोग लगाऊंगा। देखो नियम है जब ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगाओ ना, एकदम जैसे उतरा हुआ गर्मी चीज देनी चाहिए, है जैसे हम भी गर्मी चीज नहीं खा सकते हैं, एकदम ठाकुर भी ऐसी गर्मी चीज नहीं खा सकते हैं। अभी सोच रहे हैं पहले देखो तो सही ये खीर गर्मी ना ठंडा है, मन मन में कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने खीर में अंगुल डाला वो खीर एकदम गर्मी था, इसने में हाथ उसकी जले फोपला पड़ गई। इसने में जो ध्यान में डूबा हुआ था उसको जब अंगुल फोपला पड़ गई उसका आंख खुल गया, अपवित्र।
अभी बैठ बैठ करके रो रहा है, आज तक मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाया, ठाकुर जी भोजन नहीं कर पाए, बैठ करके रो रहा था। इतने में बैकुंठ में माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण की सेवा कर रही थी, वहां पर ठाकुर जी बैठे बैठे करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। इतने में लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी कोई मुस्कुराएगा, जरूर तो कुछ सोचते होंगे ना। तो उन्होंने सारी घटना सुनाई। ऐसे मेरे एक भक्त है, वो मानस की सेवा करते करते इतने डूब गया, सचमुच से उसका अंगुल डाला तो फिर उसको अंगुल जल गई। वो बैठ करके रो रहा है, ठाकुर जी को मैंने भोग नहीं लगा पाए। बोले ठाकुर जी आपका भक्ति जगत में ऐसे भक्त लोग रहते? बोले हाँ। बोले मेरे को थोड़ा वो भक्तों का दर्शन कराओ। तब भगवान गरुड़ को पीठ के ऊपर में लक्ष्मी को बैठा करके लाए। बोले देखो भक्त कैसे बैठ करके रो रहा है। बोले ठाकुर जी वो भक्त को भी उठाया, गरुड़ों को पीठ में बैठा कर उसको भी ठाकुर जी वैकुंठ लोक में ले गए। इसलिए भगवान प्रेम की ठाकुर जी भूखे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अगर हम शरीर से शरीर नहीं रह सकते हो कोई बात नहीं, मानसिक रूप में भी तुम वृंदावन में वास करो। अभी प्रश्न है भैया, मानसिक रूप में कैसे वास करेंगे? मानसिक रूप में घर में कैसे वास करेंगे? कहते ऐसे ही जैसे ठाकुर जी का, देखो भगवान का कितने सुंदर उन्होंने ठाकुर जी का दरबार सजाए, ठाकुर जी को कितना सुंदर श्रृंगार की है। इसलिए हर घर में भी ठाकुर जी को मंदिर बननी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डग रूप तो बना देते हैं लेकिन गड रूप बनाते नहीं। कुत्ते के लिए तो रूप बना देते हैं लेकिन भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाता। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका दुनिया, जिस दुनिया में खा रहे हो पल रहे हो, हम उसके लिए कुछ नहीं करते लेकिन कुत्ते सेवा में लग जाते हैं, है? कुत्ते की सेवा में लग जाते हैं। इसलिए नियम है, शास्त्र में बताया, जैसे अपना शरीर को सजाओ, अपना शरीर को सुंदर करके सजाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। अब देखना आपका जो परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, शरीर को जैसे सजाओगे परछाई वैसे सज जाएगी। इसलिए मूल कौन है? बोले भगवान ठाकुर जी मूल है। अब स्वयं देख लेना, जितने सुंदर तुम ठाकुर को सेवा करोगे, जितने सुंदर खिलाओगे श्रृंगार करोगे ना, अपने आप संसार में सज जाओगे, अपने आप तुम संसार में सज जाओगे, अपने आप खुशहाली रहोगे। लेकिन अगर दुनिया के लिए सजाओ लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं करो, फिर तो हम संसार में सुखी रह नहीं सकते, संसार में हम सुखी रह नहीं सकते। क्योंकि जो पैसा है उसका नाम लक्ष्मी, क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी बताओ किसको? तुम्हारी नाम लक्ष्मी ठाकुर जी को, ठाकुर जी किसके? लक्ष्मी। ये चीज को समझो, लक्ष्मी नारायण की है। ये लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब वो भगवान की सेवा में लगे। अगर ये लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं लगेगा ना, करोड़ों अरब रुपया तुम्हारी घर में आ जाएगी, लक्ष्मी घर में सुख नहीं देगी, कठिन बीमार दे देगी, नहीं तो बहु बहु में लड़ाई लगा देगी, कोर्ट कचहरी लगा देगी, सारे पैसा उधर बह जाएगी। क्यों? लक्ष्मी को तुम ठाकुर की सेवा में नहीं लगा रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं। लक्ष्मी तो ठाकुर जी की है, हैं? लक्ष्मी ठाकुर जी की है। ये लक्ष्मी जब भगवान की सेवा में लगेगी तो घर में सुख शांति लक्ष्मी देगी, नहीं तो ये लक्ष्मी कभी सुख शांति दे ही नहीं सकती है, कभी नहीं दे सकती है, हैं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। मतलब है भगवान से विमुख होकर के ये जीवन में कोई सुखी हुए ही नहीं, है? भगवान से विमुख होकर के कोई सुखी नहीं हुए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, सब ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। रावण का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सुने हो? उसकी सोने की लंका थी। किसकी लंका थी? सोने। हमारे पास में कितना सोना होगा? 10 किलो 20 किलो। लेकिन उसका आटा जब आता वो सोना, उसका डाइनिंग रूम भी सोना, उसके बेडरूम भी सोना, उसका सब ही सोना ही सोना, सारे सोने में बनी हुई थी, हैं? लेकिन उसकी पत्नी का नाम हम सोचते हैं कि अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाए सुखी हो जाएगी। उसकी पत्नी का नाम थी मंददरी। मंददरी मतलब क्या है? मंद मतलब होता है पतली, उधर मतलब होता है कमर। वो विश्वकर्मा की बेटी थी, आर्किटेक्ट का बेटी, इतनी सुंदर थी न्यूज यूनिवर्सिटी उस समय में, जिसको हनुमान देख करके पागल हो गया, बोले यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतने सुंदर है। फिर सोचते हैं अगर घर में छोरा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगी।
वैद्यनाथ जैसे घर में बैठा है। इतने पिताजी रामायण रामायण देखे कि नहीं, जेल में नहीं बेचैन में रह रहा था, इतने लंका में हनुमान जी को जो बांध कर ले गया, देखा अग्निदेव उसको घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था, वायुदेव उसको घर में झाड़ू लगा रहे थे, काल को तो प्यार में नीचे दबाकर बैठे, समृद्धशाली लेकिन बेचैन चैन नहीं, क्यों? भगवान का भजन नहीं करता था। लेकिन वहां पर एक विभीषण था, विभीषण नाम सुनना, जो केवल वही चैन से जी रहा था। कारण क्या? भगवान की भक्ति करता था। शिक्षा देते हैं भैया, तभी जीवन में सुखी रहेंगे जब भगवान की भक्ति करेंगे। देख भाई उदाहरण दिया, जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा के अंदर के तोता है, अब तोते को खाना मत खिलाओ, दिन भर ये पिंजरा को भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही उसकी खाना है, वही उसकी खाना है, इसलिए क्या करनी चाहिए? तोते को खाना खिलाओ, तोते को खाना खिलाओ, तोता खुश रहेगा ना, पास पिंजरा भी बढ़िया रहेगा। इसलिए तोता की खाना क्या? भगवान की नाम, ठाकुर जी की भक्ति, ठीक है ना। घर में सवेरे नहा धो करके, सवेरे नहा धो करके घर में ठाकुर, सुंदर ठाकुर बनाओ, जरूर घर में ठाकुर रखो, ऐसे घर में ठाकुर बनाओ, सुंदर मंदिर बनाओ ठाकुर जी के लिए। देखो कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, बोले हे उद्धव, यहाँ पर जो व्यक्ति मेरे लिए मंदिर बनाता है, कृष्ण खुद कहते हैं, उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में उसके लिए राज महल बना देता हूँ। भगवान खुद कहते हैं, अगर यहाँ पर मैं सब कुछ देता हूँ, मैं जीव का सब कुछ देता हूँ, अगर ये मेरी करेगा तो सब कुछ तो मेरा ही है ना, संसार में सुखी नहीं रहेगा। इसलिए क्या करो, भगवान के लिए घर में सुंदर बनाओ, भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाओ, कितना सुंदर। लेकिन अपना लिए भगवान सब कुछ दिया, अपना लिए तो बहुत बड़ा बेडरूम बना दिया, लेकिन ठाकुर जी को कभी जहाँ रिजेक्ट, घर का रिजेक्ट स्थान है ना, वहीं पर ठाकुर को पटक देते, ऐसे नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले घर बनाने से पहले पहले प्लानिंग बनाओ, ठाकुर जी के लिए कहाँ सबसे सुंदर है, वो केवल पाप भोजन करता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगाता है, जग शिष्टा से न संत मुझ सर्व से, जो मेरे को भोग लगा कर खाता है, सारे पाप से मुक्त हो जाता है, सारे पाप से मुक्त हो जाता है। बोले प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस हो जाए थे, हम भगवान प्रसाद मांगते हैं ना, प्रसाद मतलब भगवान का आशीर्वाद कृपा है। भगवान कहते मेरे को जो भोग लगा कर खाएगा, तो श्लोक है प्रसाद सर्व दुखा नाम, मेरे को जो भोग लगा कर खाएगा उसको कोई दुख कष्ट आएगा नहीं, सर्व दुखा नाम जितने दुख है उसकी खत्म हो जाएगी। जिसने दिया जिसका दुनिया, जिसने दिया तुम्हें जिसका दुनिया है, सुदामा जी का नाम सुने हो? कौन बना सुने हो? आपको पता है पहले क्यों गरीब बना, बाद में धनी क्यों बना? पहले गरीब इसलिए बना, जब गुरु माता सुदामा जी को चाना देकर भेजा, और कृष्ण को बिना दिखाया उसने, बिना दिखाए, इसलिए इतने गरीब उठाया, इतने गरीब उठाया। फिर जब पत्नी को पता चला इसका बचपन का यार भगवान है कृष्ण, दो मुट्ठी चिड़वा लकड़ी गई, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे, अपने हाथ को नहीं नहीं ब्रो और नहीं, दो मुट्ठी खा लिया तो सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी दासी बन जाऊंगी प्रभु और नहीं। जब सुदामा घर में आया, राज महल खड़ी हुई, पत्नी को पहचान नहीं पा रही है, उसका पत्नी ऊपर से उसका आरती उतारने के लिए आई, वो सोच रहा है कि राजकुमार मेरे तरफ में क्यों आ रहे हैं, वो पीछे हट रहा था, तो सुशीला ने बोली पीछे क्यों हट रहा है, बोले तू है कौन? बोले मैं तो आपको वही सुशीला हूं, बोले ऐसे तो लग रहा, बोले ये क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर को खिलाया ना, ठाकुर दे दिया, इसलिए शिक्षा देते हैं आप स्वयं देख लेना, घर में ठाकुर को लक्ष्मी को सेवा करो, भगवान को लक्ष्मी देने वाला ठाकुर है, लक्ष्मी ठाकुर जी के हैं, हैं? भगवान कहते हैं जो सेवा करते हैं ना उसको मैं छुपा छुपा कर देता हूँ, लक्ष्मी को ले ले तू मेरी सेवा कर, और लक्ष्मी अगर सेवा नहीं करोगे लक्ष्मी नाराज होगी, लक्ष्मी नाराज होगी, क्यों? हर चीज पैसा से खरीदी करते हो, पैसा लक्ष्मी, अगर ठाकुर को सेवा में नहीं ले तो नाराज होगी लक्ष्मी, प्रभु को कष्ट देगी, घर को शांति नहीं देगी। भागवत कहता है कम से कम क्या करो, घर में जो खाना खाओ ठाकुर जी का क्या करोगे, इतना तो करो कम से कम ठाकुर जी, और कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा, जैसे खाओगे हैं, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा, इतना कम से कम थोड़ी थोड़ी, इतना दिन साधु संग कर रहे हो, जीवन में कुछ तो परिवर्तन आने चाहिए ना। मांस मछली खा लेते हो कभी? खा लेते हो ना? ये खाते हैं सब नहीं, ये चीज को छोड़ देनी चाहिए,
ये चीज पर इसी पर खाया करो। देखो एक चीज समझो, हम कहते हैं सुख पाना तो सुख दो, बोलते हैं ना सुख देंगे तो सुख मिलेगा, अगर हम किसको दुख देंगे फिर हमें क्या मिलेगा बोलो, अगर किसकी हा भरता है जो कोई जानवर को मरते हा भरती है वो दुख कहाँ जाएगी, इसलिए उसका नाम मांस। किसी भाषा में तुम देख लो, किसी भाषा में एक अर्थ मिलेगा मांस, ये संस्कृत शब्द मान तो मुझको स मतलब वह तो जिसको खा रहे हो बाद में तुम्हें खाएगा, इसलिए अंग्रेज में मीट मी ईट ईट मी। किसी भी भाषा में तुम देख लो, किसी भी भाषा में एक अर्थ निकलेगा, तुम जिसको खा रहे हो बाद में तुम्हें वही खाएगा। अभी चाइना का कथा सुनते होंगे ना, मांस बंद कर दिया उसने, ऐसे बीमारी उनको पकड़ा, लेकिन हमारे मन में एक शंका है अरे मांस मछली नहीं खाएंगे कमजोरी नहीं जाएगी, हाँ कमजोरी हो जाएंगे पहले का माँ हम लोग की कमजोरी है, देखो सब कमजोरी हमारे मन में एक धारणा बैठा दिया अगर ये सब चीज को नहीं खाएंगे तो हम कमजोरी हो जाएंगे बुद्धि नहीं रहेगी। नहीं, अब जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन न्यूटन महात्मा गांधी जितने बड़े बड़े फिलोसोफर साइंटिस्ट का जीवन खोल कर देखो एक को भी अब आमिष भोजन नहीं देखोगे, सबके सब भेजे भी नहीं थे, कोई भी नॉन वेज नहीं थे, कोई भी एक को नॉन वेज नहीं देखोगे, जितने बड़े बड़े फिलोसोफर को ढूंढ लो सारे वेजिटेरियन थे, कोई एक नॉन वेज नहीं था है। इसलिए कभी इसी जीवन में हम जिसको खाएंगे फिर दूसरे जीवन, भागवत में कथा आती है एक राजा यज्ञ करके जानवर को मार के खाता था, नार तो दिखा दिया उसको, दिखा दिया जिन जिन जानवर को मारा था देखो वही उसको काट काट कर खा रहे थे, चित्कार कर रहा था, चिल्ला रहा था, उसको छोड़ नहीं रहे थे, क्यों क्या जो पाप है ना वो अपना बाप को नहीं छोड़ता, पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता, कर्म फल सबको भोगना पड़ेगा सबके सब है। इसलिए देखो और एक चीज समझाता हूँ हमारा, आप लोग ये चीज दूसरों को समझा सकते हो, घर पे समझाना बच्चियों को फिर बच्चे छोड़ देंगे मांस खाना, हमारी धारणा है शायद मांस मछली खाने से हेल्थ अच्छा होता है और वेजिटेरियन खाने से कमजोरी। देखो एक आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, एक तरफ में नॉन वेज दूसरे तरफ में वेज, वेज कौन है नॉन वेज कौन, एक कुत्ता नॉन वेज खाता है देखना थोड़ी सी तो भागता है ना, देखना कुत्ते को सोते हुए देखोगे हफ्ते हुए देखोगे, अब डिस्कवरी कॉल करके सिंह और बाघ को देखो, जब एक बार मांस खाते हैं उसको हजम करने के लिए दो तीन चार दिन तक उसको लेट रहना पड़ता है, लेट तभी जाकर हजम होता है। अब किसी लायन को देखोगे चिड़िया खाना में जाकर के हफ्ते हुए देखोगे, हफ्ते हुए देखोगे, ये सबसे सब नॉन वेज वेज देखो, एक घोड़ा क्या करता है बोलो घास चारा खाता है। जब हम किसी मशीनी को साथ में उदाहरण देते हैं कितने हर्ष पावर कितने क्या टाइगर पावर लायन पावर देते हैं नहीं कितने हर्ष पावर, रेस किसकी होती है घोड़े की होती है। वृंदावन में जाकर देखो एक घोड़ा गाड़ी दस दस पंद्रह पंद्रह आदमी को बैठा कर खेच ले जाता है, इतने ताकत है। एक हाथी क्या कहता है बोलो, बोलो हाथी क्या कहता है फसल जाता है, इतना बड़ा शरीर किसका है दुनिया में, इतने ताकत किसकी है। और एक बैल क्या कहता है सारा दिन खेती करता है, एक गधा क्या कहता है हम कहते हैं ना तो गधे जैसे परिश्रम कर रहे हो, बोलते हैं ना आज को गाली देते हैं, अब पहाड़ी अंचल में जाओ सारे गधे काम करते हैं, जब इंसान नहीं चल सकता कभी केदारनाथ बद्रीनाथ गए होंगे इंसान वहां नहीं चल सकता है, वो गधे को पीठ ऊपर घोड़े को पीठ ऊपर खच्चर को पीठ ऊपर बैठ करके जब इंसान नहीं चल सकता है उसको ऊपर उठा के ले जाता है, ये सबके सब वेजिटेरियन सबके सब। गरिल्ला क्या खाता है वेजिटेरियन है, इसलिए दिखाया जो वेजिटेरियन है ना उसके अंदर भी ज्यादा ताकत है, नॉन वेज में नहीं, नॉन वेज में नहीं है। और देखो जो शरीर हमारी बना है ना ये वेजिटेरियन बना, कई सब चीज बना, इसको अच्छी तरह समझ लो। जितने नॉन वेज का नाम बताया उसका दांत देखो कैसे दांत है, उनकी कुत्ते का दांत कैसे, बाघ का शेर का दांत कैसे नोकले नोकले है ना, क्योंकि वो नॉन वेज खाएगा इसलिए ठाकुर दांत ऐसे दिया। और जितने वेजिटेरियन नाम बताया जैसे गधे है बकरी है और हमारी घोड़ा है उनका दांत कैसे है
हमारे जैसे दांत है ना, हमारे जिसके हमको वेजिटेरियन बनाए, इसलिए दांत ऐसे बनाए। जैसे आंख देखो, जितने नर जैसे बिल्ली कुत्ते शेर, इनके आंख देखो फिर रात में जलता हुआ देखोगे, लेकिन जितना भेज नाम बताया ना, अब देखो किसका ना आंख जलते हुए नहीं देखोगे, लाइट है जलते हुए नहीं देखोगे। जितने नन भेजे हैं देखना, पानी पीते समय कैसे पानी पीते हैं, चाट के जीवा में पानी पीते हैं। जितने वेजिटेरियन नाम बताया देखना, वो कैसे पानी पीते हैं, होठ में लगा कर पानी पीते हैं, होठ में। और जितने नन भेजे हैं इनका देखो स्वभाव, देखो कुत्ते का स्वभाव कैसे है, शेर का स्वभाव कैसे है, बाघ का स्वभाव कैसे, खाना देखते हिंसा प्रवृत्ति है, वो देखते ही खाने के लिए भागते हैं। लेकिन जितने वेजिटेरियन नाम बताया है, जितने भेज, उनका स्वभाव देख लो, शांत स्थिर धीर। क्यों? जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। इसलिए निकलते क्रोध ज्यादा। एक बार क्या हुआ कि सही घटना बता रहा हूँ, बंगाल में लोग मांस मछली खाते हैं। एक बार बंगाल से कुछ लोग आए थे, मैंने उनको वृंदावन में दर्शन कराते हटा तो क्या हुआ, एक व्यक्ति साइकिल में आ रहा था, साइकिल में आते आते हटात एक व्यक्ति को सहने में लग दिया, लग गया तो उसने ऐसे घुमा राधे राधे बोलकर चला गया। और राधे राधे बोल, मैं जो बंगालियों को लेकर गया था ना दर्शन कराने के लिए, देखकर तो आश्चर्य हो गए, बोले महाराज ये व्यक्ति तो कुछ बोला ही नहीं, शरीर में लगा राधे राधे बोलकर चला गया। इतने घटना अगर बंगाल में होता ना, हम सोच नहीं सकते, इतने मारपीट करना शुरू कर देते, इतने लड़ाई झगड़ा कर देते, कोर्ट कचहरी हो जाता इतना अगर हो जाता तो। ये कैसे शरीर में लग गया, कुछ बोला ही नहीं कैसे। तो उसने खुद बोल रहे हैं कारण है ये वेजिटेरियन, ये लोग वेजिटेरियन, सहन शक्ति के अंदर में, सहन शक्ति इनके अंदर में, क्यों ये वेजिटेरियन खाते हैं। तुम जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, तुम्हारी वैसे बनेगा। कहते हमारी जो हजम का जो नाड़ी है उसको क्या बोलते हैं, उसको हजम नाड़ी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें देखना जो लोग जो नन भेजे हैं जैसे कुत्ते से, इनका केवल आंत उनके 2 मीटर है, केवल 2 मीटर। हमारे आंत बताए तुम्हारे कितना, 6 मीटर है। जितने वेजिटेरियन वो 6 मीटर है। इसलिए हमारी हजम शक्ति जितना है उनका हजम शक्ति 10 गुना ज्यादा है। अब देखना उनका खाना मांस है, उनको धोने का जरूरत नहीं, उबालने का जरूरत नहीं, मसला देने का जरूरत नहीं, पकड़े खून समेत खा लिए, है ना, कुत्ते बाघ खून समेत खा लेते हैं, उसका भोजन है। लेकिन उसका पेट में इतना हजम शक्ति, इतना हजम शक्ति, वो सब हजम कर देता, क्यों, 10 गुना ज्यादा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा खाना नहीं, उसको ले आएंगे, उसको मसला देंगे, फिर उबालेंगे, कितना समय उबाल करके फिर जाकर खाएंगे, तभी भी 40 घंटा लगता है पेट में हजम होने के लिए, 40 घंटा लगता है हजम होने के लिए, है। इसलिए अक्सर करके आप किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लेना जाता, अभी कुछ दिन पहले मैंने बेंगलोर गया था किसी हॉस्पिटल में, ज्यादा करके देखा मुसलमान और बंगाल के लोग ज्यादा करके। मैंने पूछा भैया क्या बात है, तुम लोग इतना क्यों, डॉक्टर ने क्या बताया, डॉक्टर ने बताया मांस मछली खाना छोड़ो, जो तुम्हारी बीमारी है। तो चाइना में भी ये हो रहा है ना, सुना कि नहीं, बोले रोटी दाल खाना सीख लो, है वो एक वीडियो भेजा है, सिक्योरिटी आगे वाले चाइने कुत्ते खा रहे हो, सांप खा रहे हो, बिल्ली खा रहे हो, बीमार नहीं पड़ोगे, रोटी खाना सीख, रोटी कहते रोटी दाल खाना सीख लो अगर जिंदा रहना चाहते हो। अभी इतना दुर्दशा वहां पर हो गई, आपको पता होगा, सोच रहे हैं कितने लाख लोगों को मार देने के लिए आदेश आ रहे कोर्ट से, इनको जान से मार दिया जाए, मतलब ऐसे है हा? जान से मार दिया जाए इनको। इसलिए अब वेजिटेरियन खाओगे ना आसानी से हजम होगा, वो चीज आसानी से हजम होगा, आसानी से शरीर में तुम्हारी बीमारी ज्यादा नहीं रहेगी, शरीर तुम्हारी बीमारी ज्यादा नहीं रहेगी, सुस्त शरीर रहेगा। और गीता में कृष्ण कहते हैं, तो गीता का श्लोक है कि जगत में भगवान का जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, भगवान कहते मेरे बच्चे हैं, भगवान कहते हैं अगर ये जानवर को कोई कार करे खाए और मेरी कोई भक्ति करे ना, भगवान कहते उसका भक्ति में स्वीकार नहीं करता। उदाहरण देते हैं, जैसे आपका कोई बच्चा उसको काट दिया और तुम्हारे प्यार में पड़े, आप सुनोगे नहीं सुनोगे, बोले मेरे बच्चे को मार दिया और बड़े चरण में गिर गए। भगवान कहते झूठे भक्ति है ये, भक्ति भक्ति कुछ नहीं है भक्ति भक्ति। फिर भगवान कहते हैं अगर मुझे खुश करना चाहते हो मेरे बच्चे को भी शांति दो, बच्चों को भी आनंद दो, ठीक है ना, कोशिश करना नहीं खाने के लिए, बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालो बच्चों के अंदर में, पर बच्चा आया ना कैमरा, अगर इसको अभी से
अच्छे संस्कार डालो तो अच्छा बनेगा ना, अगर ज्यादा थोड़ी बड़ा हो जाएगा तो मैं बात नहीं सुनेगा। इसलिए अभी से इस चीज को घर में पतियों को समझाना, बोले बाबा ये सब बात होते रहते क्या हाजिर है, पति नहीं खाते हरप्रीत भैया नहीं खाते हैं, आप वाले कौन से, आप वाले कौन से, अच्छा भगत सिंह भैया नहीं खाते, देखो पति जब नहीं खाते हैं ना, देखो आपको आपको और थोड़ी आपको थोड़ी सी ना कैसे ये चीज को छोड़ोगे मैं बता देता हूँ। देखो ये बस गलती बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, यही से छोड़ कर जाओगे। देखिए उदाहरण देकर समझाए, बोले जहाँ पर ये डेड बॉडी जलता है, जहाँ पर डेड बॉडी जलती है, आप बताओ उस स्थान को क्या कहते हैं। जब कोई एक जानवर मरता है, जब हमने अपना घर में लाकर उसको डेड बॉडी को जलाते हैं, तुम्हारे घर क्या होगी, शमशान होगी। जब डेड बॉडी जैसे भैंस मर गया गया मर, जब फेंक देते हैं उसको कौन खाता है, बताओ कौन खाता है, चील कुत्ता गिद्ध ये सब खाते हैं। शास्त्र कहता है मरने के बाद ये सब चीज जो खाते है ना वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं, कुत्ते सियार चील सब के सब है। देखना कोई व्यक्ति जब घर में मरता है कितना दिन के लिए हम अशुद्धि मानते हैं, 13 दिन के लिए, एक बुद्धि मरने का 13 दिन अशुद्धि मानते हैं। उसको घर से जितने जल्दी होते निकाल दो, जितना जल्दी बुलाओ निकाल दो, है ना। लेकिन अगर मरने का बाद एक जानवर को अगर घर में मरे हुए जानवर को घुसा दिया पर फ्रीज में रख दिया, पर तुम्हारे घर क्या होगी, हम पवित्र हुए ना अपवित्र हुए, क्या हो गए बताओ, अपवित्र हो गए। इसलिए शास्त्र ये सब बात कहता है, कहते भैया ये सब चीज एकदम अच्छी चीज नहीं, जहाँ पर डेड बॉडी को गाड़ देते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, जहाँ डेड बॉडी को गाड़ देते स्थान में क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। अगर मांस मछली को पेट में गाड़ दिया तुम्हारे शरीर क्या हो गया, कब्रिस्तान। संत लोग की चीज वो समझाते हैं, समझाते हैं, देखो और अगली चीज बताते हैं, कहते रोड में जो भिखारी बैठे हुए क्यों भिखारी बना है, ये रोड में जो भिखारी भीख मांग रहे हैं 1 रुपया के लिए तरस रहे हैं क्यों, कहते कहते लक्ष्मी उसके पास में आई लेकिन इसी जीवन में लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है, कहते कारण है पहले जीवन में लक्ष्मी उसके पास में आई थी, लक्ष्मी को उसने गंदा काम में लगाया, पैसा दे करके मांस कर दिया, शराब कर दिया, और लक्ष्मी दुखी हुई, मेरे को तुम इतने गंदे काम में लगा रहे हो, पर भाग्य में था आगे अगले जीवन और तेरे पास में नहीं आऊंगी, रोड की भिखारी बनाकर रख दूंगी। हमारे गुरु जी कहते थे, रामायण कहता है, इसलिए अभी वो रोड में भिखारी बनना, क्यों लक्ष्मी क्यों नाराज है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी को उसमें गंदे काम में लगा, लगा लो जो कुछ लगना सारे प्रतिशोध में ले लूंगी एक एक करके, ठीक है ना। आज से कान पकड़ लो, ऐसे कान पकड़ लो संतों के सामने, आज से ये चीज हम नहीं खाएंगे, हैं जो कुछ खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, बच्चों को तो कौन सा अच्छा बनाऊंगा, ठीक है ना। आज से पूरा पूरा कान पकड़ लो ठाकुर के सामने, ठाकुर जी और ये सब चीज हम नहीं खाएंगे, हम जो खाएंगे ठाकुर को भोग लगाएंगे, हैं पवित्र वस्तु खाएंगे, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल।
राधे राधे राधे।